एला नाम की इस लड़की को बस कंडक्टर से प्यार हो जाता है और ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो ये प्यार आपको बस में ही रोमांस करता हुआ नजर आने लगेगा। एला काफी अमीर लड़की थी पर फिर भी वो एक बस कंडक्टर की दीवानी थी और इसी वजह से एला उस कंडक्टर के साथ फिजिकल होना चाहती थी। पर वो दोनों फिजिकल होते हैं या कैसे होते हैं ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ बच्चे ऑडिटोरियम में रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी जगह पर बैक साइड में एरोड नाम का लड़का एला के साथ कुछ कुछ करने में बिजी था। एला को वो फिजिकल टच देके उसको संतुष्ट कर रहा था और एला इसमें खूब आनंद ले रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं एरोड की रियल गर्लफ्रेंड वहां पे आ जाती है जिसका नाम जीना था। जीना इन दोनों के इस कार्यक्रम को देखकर बहुत ज्यादा दुखी और हर्ट हो जाती है। एरोड अपने पॉकेट को संभालते हुए जेना के पीछे चला जाता है। ये सब देख कर एला का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो एरोड को रोकना चाहती थी पर वो जब तक जा चुका था। एला की सारे स्टूडेंट के सामने बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है क्योंकि वो एरोड को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। तो ये थी एला की स्कूल लाइफ। अब एला अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और लाइफ में सक्सेसफुल वेडिंग डिजाइनर बन चुकी है। साथ ही साथ वो अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी रन कर रही है। एला काफी सक्सेसफुल थी लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में एक कमी थी, वो था उसका प्यार। इसके बाद में एला एक रोबोट नाम के लड़के को सीड्यूस करके उसके साथ एक गेम खेलती है पर ऐसा करके एला को बिल्कुल भी मजा नहीं आता है क्योंकि रोबोट अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा था। जब इनका कार्यक्रम खत्म होता है तो एला बहुत दुखी होकर अपनी बहन को सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी बहन जिसका नाम निशा है वो अपने टाइप के लड़के सिलेक्ट करने को उससे कहती है। जब एला को संतुष्टि नहीं मिलती तो वो टॉयज का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उसकी नींद काफी देर से खुलती है और वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि एला को कोई कैब भी नहीं मिल रही जिसकी वजह से उसको मजबूरी में बस में सफर करना पड़ता है। इस बस में काफी भीड़ होती है पर जब भी एला एकदम से बस कंडक्टर से टकराती है और यहाँ पे हम एला के फेस एक्सपीरियंस से हम समझ जाते हैं कि एला कंडक्टर से बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहती है। और जैसे ही बस कंडक्टर उसके पास आता है टिकट मांगने, भीड़ की वजह से उन दोनों को जोड़ा झटका लगता है और दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर क्या था, एला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो उसकी स्मेल को महसूस करती है और हैप्पी होने लगती है। तो इसके बाद क्या होना था, एला ने टिकट लेकर अपने तरबूज को कंडक्टर के ऊपर सता दिया। अब रोबोट एला के तरबूज को महसूस कर पा रहा था, उसको एला का ये अंदाज बहुत ज्यादा भाता है। इन दोनों के बीच में ऊपर ऊपर से वो सब कुछ हो रहा होता है तभी एला का बस स्टॉप आ जाता है। एला जब वापस घर आती है तो उस मोमेंट को बार बार याद कर रही होती है और फिर रोबो को याद कर करके अपना संतुष्ट कर रही होती है खुद को। जब निशा एला को इतना खुश देखती है तो उससे उसकी खुशी का राज पूछती है। एला बताती है कल उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो रोबो के बारे में निशा को सब कुछ बताती है। तब निशा उसको रोबो को ढूंढने की सलाह देती है। इसलिए एला आज भी बस से जाने का फैसला करती है पर क्या करें, उसकी किस्मत आज अच्छी नहीं थी क्योंकि आज कंडक्टर कोई दूसरा था। ये कंडक्टर एला को बताता है कि रोबो अपने घर पे जग गया हुआ है। फिर हम दूसरे सीन में रोबो को उसके घर पे देखते हैं। यहाँ आकर वो अपनी बेटी माया और पत्नी कैथिन से मिलता है। रोबो और कैथिन घर से बाहर रहते हैं और इन दोनों की एक बच्ची होने के बावजूद इन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। रोबो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था लेकिन कैथिन इतना उसको भाव नहीं देती थी क्योंकि वो इतने पैसे नहीं कमाता था। यहीं पे हम सैम के बारे में थोड़ा और जानते हैं जो कि रोबो का कजन है जो कि कैथिन की बहुत ज्यादा हेल्प करता था। रात में जब कैथिन सो रही थी तो रोबो उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन कैथिन उसको भाव नहीं देती। इसके बाद क्या था, रोबो अपनी उंगलियों का कमाल दिखाता है। इसके बाद क्या था, कैथिन बिल्कुल राजी हो जाती है और इसके बाद में इनके बीच में वो सब कुछ होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एला फिर से बस में सफर कर रही है ताकि उसकी मुलाकात फिर से उसी कंडक्टर से हो जाए और एक दिन अचानक से उसको रोबो मिल ही जाता है और वो मौका पाते ही रोबो के चाकू को अपने तरबूजों में रख देती है। फिर क्या था, रोबो का बिल्कुल मूड बन जाता है। इसके बाद वो अपने उंगलियों का इस्तेमाल करता है। अपने इस सफर को खत्म करने के बाद रोबो फिर अपने बस मालिक से कुछ पैसे एडवांस में मांगता है लेकिन उसका बॉस पैसे देने से मना कर देता है और घर आकर रोबो और कैथिन की फिर से फाइट होने लगती है। इसके बाद रोबो किसी काम से शहर आता है जब सारे बस कंडक्टर एक साथ बस ताश खेल रहे थे तभी एला रोबो से मिलने के लिए वहाँ आती है। उसने बहुत ही सुंदर रेड और व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी।
वो रोबो को अपने पास बुलाती है और रोबो उसको दो बसों के बीच में लेकर जाता है। यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं, पर धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे पर कंट्रोल होने लगता है और ये दोनों यहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं। पर तभी इन दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है, जिससे डर के भाग के वो बस के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद रोबो बस के अंदर जाकर गाड़ी को पांचवें रेल में लगाकर सवारी करता है एला की। वो एला को कई बार यहाँ मंजिल तक पहुँचाता है और दूसरी सुबह हम देखते हैं एला सब कुछ अपनी बातें निशा को बताती है। निशा एला को कुछ देख कर उससे कहती है कि तुम उसके साथ रियल सिंह में आ जाओ। एला भी यही चाहती थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में रोबो से मिलने जाती है। पर यहाँ पे रोबो एला को सब कुछ सच बता देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता है और उसकी 8 साल की एक बेटी भी है। ये सब सुनकर एला बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और रोबो इन सबको खत्म कर देना चाहता था, इसलिए वो इस रिश्ते को तोड़कर वहां से जाने लगता है। पर एला उसके पीछे भागती है और किसी सड़क के कोने पर जाकर उससे चिपक जाती है। तो अब रोबो भी कहाँ रुकने वाला था, तो वो भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। रोबो की इस परफॉर्मेंस के साथ एला उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए रोबो अब एला के घर में आ जाता है। एला जब ऑफिस से घर आती है तो रोबो उसके लिए चिकन सूप बनाकर रखता है और रोबो ये किचन सूप अपने हाथों से एला को खिलाता है। खाना खाने के बाद में रोबो अपनी जुबान का यूज करके एला को सीड्यूस करता है। इसके बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, पर क्या बीच रास्ते में ही एला का मूड बन जाता है। फिर क्या था, एला ने रोबो की उंगलियों को पकड़कर अपनी जेल में डुबकी लगवा दी। फिर क्या था, रोबो फिर से एला की सवारी करता है और एला इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसीलिए वो उसको एक महंगे से की घड़ी गिफ्ट देती है और कहती है कि तुम अब मेरे साथ हमेशा रह सकते हो। और एला कहती है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुमको पैसे भी दूंगी। पर क्या था, रोबो उसको साफ साफ पैसे लेने से मना कर देता है। रोबो की ये बात एला को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगली बार एला जब मीसा से मिलती है तो वह एला को फिर से ज्ञान देती है। वो कहती है कि तुम्हें धीरे धीरे रोबो के दिल में अपनी जगह बनानी चाहिए। फिर क्या था, एला रात में उसकी शॉप पर जाती है जहाँ पर रोबो अकेला काम कर रहा था। वहाँ पे एला उसको बताती है कि उसे लाइफ में आज तक कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला, जो भी मिले वो सारे छोड़कर चले गए, जबकि एला ने उन्हें अपना सब कुछ दिया था। जितनी भी बातें एला ने कही वो सारी सच थी। इसी वजह से एला बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोबो उसको कंफर्ट देने के लिए उसके पास जाता है। फिर क्या था, रोबो फिर से उसको एला को हैप्पीनेस फील कराता है। फिर क्या था, एला उसके साथ घूमने का प्लान करती है और साथ में अपने घर की भी उसको देती है। अगले दिन रोबो फिर से कैथिन से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर जाता है उसकी कैथिन से फिर से फाइट होने लगती है, क्योंकि वो माया के स्कूल के पैसे जमा नहीं कर पाया था, इसलिए उसने वो पैसे सैम से लिए थे। और यहाँ पे वो रोबो का बहुत मजाक बनाती है पैसे ना देने की वजह से। कैथिन उसे ये भी कहती है कि वो उसके साथ खुश नहीं है, वो उसके साथ सिर्फ मजबूरी में रह रही है। इन सब से रोबो का माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो एला के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाता है। एला बस स्टैंड में उसका वेट कर रही थी। रोबो वहां पे आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास सैम का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि कैथिन अचानक से बेहोश हो गई है। तो रोबो यहाँ पे प्लान कैंसिल करके अपनी कैथिन से मिलने चला जाता है। यहाँ पे उसको पता चलता है कि कैथिन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोबो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हम एला को देखते हैं जो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और उसे ढूंढते हुए गैराज में जाती है। और यहाँ इसको पता चलता है कि रोबो फिर से बाप बनने वाला है। ये सुनकर एला का दिल फिर से टूट जाता है, क्योंकि रोबो ने उसको बताया था कि उसका रिश्ता उसके कैथिन के साथ अच्छा नहीं चल रहा। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड रह जाती है और निशा के साथ वो क्लब में मिलने जाती है। एला जब निशा के साथ बैठी थी तो एक लड़का उसको कंटिन्यू घूरे जा रहा था। इसके बाद क्या था, वो लड़का एला को अपने साथ घर लेकर जाता है। एला उसके घर पर जाती है तो वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके कपड़े उतारता है तो उसके साथ वो छपड़े वाला बिहेव करने लगता है। ये सब देख कर एला वहां से भाग जाती है। और कुछ दिन बाद रोबो एला से मिलने उसके घर पर आता है। यहाँ आकर रोबो एला को सॉरी बोलता है क्योंकि वो उस दिन उससे मिलने नहीं आ पाया था। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। लेकिन एला को यहाँ पर उसके करेक्टर पर शक हो रहा था, क्योंकि उसका यहाँ पे बेबी भी होने वाला था, क्योंकि वो अपनी प्रेग्नेंट जीएफ को छोड़कर उसके पास आया है। क्या पता फ्यूचर में वो उसके साथ भी ऐसा करे। इतना कुछ सुनने के बाद रोबो उसकी कीज घर की कीज उसको देता है और वहां से बड़ी शांति से जाने लगता है। जब रोबो उसके घर से वापस जा रहा था तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रोबो ने अपनी आंखों से देखा था कि उसके भाई प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसके भाई सैम के साथ लगी हुई है। ये सब देखकर रोबो बहुत गुस्सा होता है, पर रोबो को गुस्से में देखकर सैम वहां से भाग जाता है।
और जाते हुए कहता है कि वो कैथिन और माया का तुमसे ज्यादा ख्याल रखता है। कैथिन भी बहुत गुस्सा होती है और रोते हुए रोबो को बताती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो सैम का ही है। और वो रोबो से कहती है कि वो तुमसे नहीं, वो सैम से प्यार करती है। सो रोबो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, इसलिए वो उन दोनों को छोड़कर एला के पास गया था। इसीलिए रोबो अपनी रात के राज में ही बिताता है। दूसरी तरफ हम एला को देखते हैं जो कि दिल से टूटी हुई है, इस वजह से वो चुप चुप से रहने लगी है। अब वो काम में ओवर टाइम करती है ताकि वो खुद को बिजी कर सके, ताकि उसे रोबो की याद ना आए। निशा जब एला की यह हालत देखती है तब वो उसे दूसरे लड़कों को डेट करने की सलाह देती है, पर एला का दिल टूट चुका था क्योंकि स्कूल टाइम से लेकर अब तक उसको सबने धोखे दिए हैं। अब इस बात को 4 महीने बीत चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एला की मुलाकात रोबोट से होती है। रोबोट जैसे ही एला के पास जाता है वो उसको सॉरी बोलता है, क्योंकि रोबोट ये एनालाइज कर चुका था कि पास्ट में उसने एला के साथ जो भी किया वो गलत किया। एला उसके साथ टाइम स्पेंड करती है जिसकी वजह से वो घर जाने में लेट हो जाती है, इसलिए एला को बस स्टॉप पे जाना पड़ता है जहाँ पे उसका रोबो पहले से ही वेट कर रहा होता है, क्योंकि एला ने अपना घर चेंज कर दिया था जिसके बाद से रोबो यहाँ पे रोज डेली उसका इंतजार करता था। और रोबो एला को सब कुछ बताता है। वो बताता है कि उसकी जीएफ ने उसको किस तरीके से चीट किया और इसी वजह से उसने उसको छोड़ दिया, और वो कई महीने से एला से बात करना चाह रहा था पर एला उसको माफ नहीं करती। वो गुस्से में जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, क्योंकि शायद उसको ये सब दुख ना झेलना पड़ता जो 4 महीने से झेलती आई है। इसके बाद वो सब गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक बस वहाँ से गुजरती है और ये दोनों एक दूसरे के पास भागकर आते हैं और एक हो जाते हैं। इन दोनों के मिलन के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।